नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी, मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ। और वक्त हो चला है यूपी 75 का, तो शुरुआत करते हैं यूपी के 75 खबरों की। बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, साक्षरता निदेशक समेत 3 निलंबित। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा वार, बोले दिन दहाड़े रेप, रात भर गांजा, जिसे भी देखना है यूपी आ जा। सपा और रालोद मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा का चुनाव, अखिलेश यादव ने की गठबंधन की घोषणा। मेरठ ने 3500 करोड़ से ज्यादा की फर्जी बिल्डिंग का खुलासा, मास्टरमाइंड पुलिस के हिरासत में। प्रयागराज में भी बड़ा धमाका करने वाले बजरंगी के शूटर वकील पांडे और अमजद शरणदाताओं का पता लगाने में जुटी है एसटीएफ। आजमगढ़ के पूर्व सांसद उमाकांत यादव व उनके पुत्र समेत 3 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, उनकी संपत्तियों को सीज करने की भी पूरी तैयारी। महिला दिवस पर खास तोहफा, 8 मार्च को ताजमहल समेत सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगी महिलाएं। पीएम मोदी के प्रोत्साहन के बाद काशी के खिलौने बनाएंगे विश्व में पहचान, सोनभद्र में पर्यटन के बढ़ावा पर जोर। बीएचयू में 100 करोड़ की लागत से बनेगी जेपी सेंटर, पीएम मोदी करेंगे भूमि पूजन। वाराणसी में एक प्रेमी और प्रेमिका की व्हाट्सएप पर बहस, जिंदगी पर पड़ी भारी, प्रेमी ने जहर खाकर दी जान। वृंदावन में कुंभ बैठक की शोभा बढ़ाएंगे सप्त देवालय, 7 मार्च को निकलेगी भव्य शोभा यात्राएं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पिछड़ा प्रयागराज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर की नाराजगी। वाराणसी में नामी कंपनियों की 2500 से अधिक नकली घड़ियां बरामद, पुलिस ने किया जब्त। अजीत हत्याकांड में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने प्रयागराज कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, भेजा गया जेल। पंचायत चुनाव में करीब 1,47,00,000 मत पत्रों की होगी जरूरत, अधिसूचना से पहले हो गई है इनकी छपाई। सीएम योगी ने नवनियुक्त 97 डेप्यूटी कलेक्टर को सौंपे नियुक्त पत्र, दिया ईमानदारी व निष्पक्षता का मंत्र। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, ताला लगाकर किया प्रदर्शन। सद्भावना सहित कई ट्रेनें रहेंगे निरस्त, 9 से 19 मार्च तक संचालन रहेगा प्रभावित। लखनऊ समेत प्रदेश भर में घटाया गया परमानेंट डीएल का कोटा, अब बिना टेस्ट नहीं बन सकेंगे डीएल। आजमगढ़ में टीकाकरण कर रही नर्सों से डॉक्टर ने किया दुर्व्यवहार, डीएम ने लगाई न्याय की गुहार। व
वाराणसी में कोयला कारोबारी के आवास पर कस्टम का छापा, 45 लाख की नकदी हुई बरामद। यूपी के मिर्जापुर में जंगल में लगी भीषण आग, 4 लोगों से बुलाई गई फायर ब्रिगेड। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पिता ने सीएम योगी से लगाई बेटे की सुरक्षा की गुहार, कहा पुलिस से है जान को खतरा। यूपी के वाराणसी में पोखरे में मिला किशोर का शव, जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। यूपी के उन्नाव में स्लॉटर हाउस में रोहिंग्याओं के घुसपैठ, 1100 मजदूरों और 8 ठेकेदारों की एटीएस करेगी जांच। यूपी के चित्रकूट में प्रेमी ने किशोरी संग ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, शव देख परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के महोबा में नवविवाहिता को अगवा कर 14 दिन तक किया दुष्कर्म, साथ ही धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। अलीगढ़ में भीषण हादसा, राजघाट से घर लौट रही मेटाडोर खाई पलटी, 3 की मौत, 24 से अधिक हुए घायल। गोंडा में रिटायर्ड सेना के जवान का हैरत अंगेज कारनामा, बीच सड़क पर सिर के बालों से खींची 5 गाड़ियां। बुलंदशहर में सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा करते 2 अभ्यर्थी और 2 दलाल गिरफ्तार, 6-6 लाख रुपए में किया था नौकरी दिलाने का दावा। पहली नौकरी पर जाने वाले एसडीएम को सीएम योगी का संदेश, जनता की दुआएं लेंगे या नाराजगी या आप तय करिए। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर कसी नकेल, योगी सरकार की जेसीबी ने प्रयागराज में ढहाया कॉम्प्लेक्स। मेरठ में दिनदहाड़े दरोगा की पत्नी से लूट, ऑटो में बुर्का पहनकर बैठे बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया सामने, हिंदू बनाकर की शादी, अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव। नेपाल पुलिस की गोली से युवक की मौत के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात, सीमा पर जायजा लेने पहुंचे डीजी जोन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कुलपति पर कर सकेंगे विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती, नए शिक्षा सेवा आयोग का जल्द होगा गठन। यूपी में शहीदों को सबक सिखाएगी नारी शक्ति, यूपी पुलिस को मिली 149 महिला सिपाही और 192 रंगरूट। काम आई सीएम योगी की रणनीति, 3 करोड़ से अधिक कोरोना जांच कराने वाला प्रदेश बना यूपी। किसान महापंचायत में अखिलेश का हमला, उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया गया कृषि कानून। यूपी के लखीमपुर में खौफनाक घटना, घर के बाहर खेल रहे 8 साल के बच्चे का काटा गुप्तांग। पंचायत चुनाव की तैयारी देखने मुख्तार अंसारी के इलाके में पहुंचे एडीजी जोन, बोले माफियाओं पर कसी जाएगी नकेल। वाराणसी सहित यूपी के 14 शहरों का कायाकल्प करेगी योगी सरकार, बनेगा मास्टर प्लान।
यूपी के बरेली में डीजे पर डांस को लेकर मचा बवाल। उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग में कई लोग घायल। सीएम योगी ने किया 131 करोड़ के परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, नए भारत के नक्शे पर चमकेगा गोरखपुर। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस बुल पे 50,000 के इनामी बदमाश संजय को लगी गोली, दरोगा और सिपाही जख्मी। विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहे सभी विधायकों के क्षेत्रों में होंगे काम, किसी को शिकायत का नहीं मिलेगा मौका। यूपी पीसीएस 2018 में चयनितों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले, मानवता की सेवा के लिए खुद को करें समर्पित। यूपी में अब मुफ्त में बनेगा आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड देने के लिए 10 मार्च से चलेगा विशेष अभियान। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंक गड़बड़, भरने वाले अभ्यर्थियों को राहत। 138 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ। बलिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय से बिजली चोरी कर रहा था बीएसए कार्यालय, लखनऊ विजिलेंस टीम ने मारा छापा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बीएचयू के जेपी सेंटर का भूमि पूजन और उद्घाटन। 100 करोड़ रुपए में बन रहा ये सेंटर। मिस्टर पूर्वांचल के लिए 7 मार्च को दमखम दिखाएंगे 150 बॉडी बिल्डर, नकद पुरस्कार संग मिलेंगे कई उपहार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, मंडल स्तर पर सफलता मिलने के बाद अभ्युदय योजना को किया जाएगा जिले स्तर पर भी लॉन्च। सीएम योगी ने दिया निर्देश, गोरखपुर शहर के ड्रोनेट सिस्टम का तैयार होगा मास्टर प्लान। आगरा के बटेश्वर में आज से लगेगा विराट कृषि मेला, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही करेंगे उद्घाटन। कानपुर में रूपानी चप्पल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, भीड़ भरे स्थान में घटना से मची भगदड़। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठों को किया उपकरण वितरण, साथ ही बनाई गोमती नदी को प्रदूषण रहित बनाने की योजना। औरैया के पटना नहर में एक महिला का शव मिलने से मची सनसनी, ग्रामीणों ने शव को देखते ही तत्काल पुलिस को दी सूचना। औरैया में लड़कियों को एक दिन के लिए 11 महत्वपूर्ण पदों पर बनाया गया अधिकारी, मिशन शक्ति के नाइका मेगा इवेंट के तहत किया जा रहा है ये कार्य। बूढ़नपुर के गांधी शताब्दी पीजी कॉलेज कॉयल्स में छात्रों ने किया जमकर हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने प्राचार्य पर छात्रों को अकारण मारने, पीटने और अपशब्द का प्रयोग करने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में एआरटीओ 15 साल से पुराने वाहनों का पंजीकरण करेगी, परिवहन विभाग ने चेतावनी देने के बाद भी वाहन मालिकों ने वाहनों का नहीं कराया था नवीकरण। फर्जी शिक्षक नियुक्ति के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट का शिकंजा, फर्जी नियुक्ति के मामले में सीबीआई ने आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को किया तलब। आजमगढ़ के विकास भवन में ग्राम विकास अधिकारी पर धमकी देने का आरोप, साथ ही कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
आजमगढ़ में बंदूरी हवाई पट्टी पर विमानों की उड़ान को लेकर बंधी है लोगों की उम्मीद। साथ ही सीएम योगी के महत्वाकांक्षी परियोजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को गति देने के लिए हो रहा है ये काम। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर की वजह से बाइक सवार की मौके पर मौत। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य से जुमे के खुतबे में मुसलमानों से की गई अपील, सभी मस्जिदों के इमामों से की जागरूकता फैलाने की अपील। उन्नाव में शराबखानों की बढ़ती धंधलेबाजी को देखते हुए यूपी एसटीएफ ने अनियमितता पर की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने चोरी के मामले में मोती नगर के एक आबकारी गोदाम को किया सीज। हरदोई में शाहबाद सीएचसी के निर्माणाधीन प्रतीक्षालय में लगाई जा रही है घटिया सामग्री। प्रतीक्षालय की हालात पर एडीएम ने शाहबाद के वीडियो ठेकेदार पर कसा शिकंजा। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही, बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर में एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए जलाए जा रहे हैं सरकारी दस्तावेज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सीतापुर के परेड ग्राउंड में मॉक वल्वा ड्रिल का आयोजन, इस दौरान एसपी ने ली परेड की सलामी। सोनभद्र के फुलवार गांव में ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास में बड़ा घोटाला, गरीबों का हिस्सा खा रहे हैं अधिकारी। यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पिंक मैराथन का आयोजन, स्टेडियम में होगा पिंक मैराथन का आयोजन। यमुना सिटी के अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनें। किसान महापंचायत में बोले अखिलेश, इस सरकार में किसानों को घाटा, उद्योगपतियों को मुनाफा। लखनऊ में बाहुबली एमएलए मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद के अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर, तोड़ी गई 10 दुकानें। इसी के साथ यूपी 75 में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।